अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी, थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं आज आपको अपने मेकअप प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ वो सब मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अभी ये मेरा पूरा मेकअप नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रही होती हूँ, मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें शो करवाती हूँ। ये देखिए, जो मैं ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ, आपने मेरी वीडियो में, पिछली वीडियो में मेरे ब्रशेज़ दिखे होंगे, वो ये हैं क्रिस्टाइन के। ये देखिए क्रिस्टाइन के ये सारे ब्रशेज़ हैं, ये पूरा इनका बड़ा सेट है इसके ब्रशेज़ का। ये देखिए, ये इनका फैन ब्रश, ये सारे क्रिस्टाइन के कंप्लीट सेट है ब्रश का। अच्छा जी, ये ब्रश है नेक्ट वालों के, ठीक है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे दराज से। ये देख लीजिए आप, ये नेक्ट वालों के सारे ब्रशेज़ हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। और ये भी एक मिनी ब्रशेज़ हैं जो मैं सम टाइम कभी यूज़ कर लेती हूँ। ये देख लीजिए आप। अच्छा, ये हैं ग्लैमर्स के, ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि सारे ग्लैमर्स के। और मैं अपनी अक्सर वीडियो में ये ब्लश वाला, ये ब्रश बहुत यूज़ करती हूँ, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए कितना सॉफ्ट से इसके ब्रशेज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रश है। ये देखें, ये तो हो गए मेरे सारे ब्रशेस जो मैं अपनी वीडियो में यूज़ करती हूँ। ये देखिए ब्लेंडिंग ब्रश। अच्छा, ज़्यादातर मैं अपनी वीडियो में किस टाइम के ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ये सारे किस टाइम के ब्रशेज़ हैं। इसमें आपको हर तरह के ब्रशेज़ मिल जाएंगे, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपको हर तरह के ब्रश मिल जाएंगे। इसमें छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ब्रश आपको मिल जाएगा। और सारे ब्रशेज़ ये बहुत काम के हैं जो हमारी वीडियोस में यूज़ होते हैं। चलिए, ब्रशेज़ के बाद मैं आपको अपने बेसिस वगैरह दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको, ये सब क्रायलोन के वो हैं बेस, कुछ ड्राई मिनरल बेस हैं, कुछ पेन केक हैं और कुछ स्टिक फाउंडेशन है। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये है 36, ये है कैलोन पे 36, देन ये है 38, 45 अभी मेरे पास ख़त्म है, ये है 1W इनकी, ठीक है। ये मिनरल बेस है इनकी, ये देखिए, ये मिनरल बेस हैं, ये इनके केक बेस हैं, केक फॉर्म में है। अच्छा, ये इनकी, ये ऑरेंज स्टिक है जिसे हम अपने हाइड करते हैं, कंसील वगैरह करते हैं ना अपने धब्बों को, पिगमेंटेशन जो भी हमारे फेस पे निशाना होते हैं उसको हाइड करने के लिए। ये क्रिस्टाइन की, ये है क्रायलोन की, ये ओरिजिनल क्रायलोन है, ये देख लीजिए। चलिए अब ये देखिए, ये है मेरे पास कुछ फाउंडेशन है, ये मेट फाउंडेशन है, ये इसका है नंबर 40, और आई थिंक ये फिट मी का फाउंडेशन है, ये मेबलिन के फिट मी का फाउंडेशन है। अच्छा जी, ये कुछ कंसीलर हैं, ये प्रो कंसीलर हैं, ये और जी आपने आप देखा होगा मेरे हर वीडियो में यूज़ करती हूँ, और ये कंसीलर, देन ये भी मिस रोज़ का कंसीलर है, ये आइवरी शेड है, ये मिस रोज़ का मेट फाउंडेशन है, ये फेयर कलर में है मेरे पास। अच्छा जी, ये मेरा प्राइमर है जो मैं यूज़ करती हूँ, ये ट्यूड वालों का प्राइमर है, ठीक ठीक है। ये सारी बेसिस हो गई जी, 45 मेरी ये भी, ये 45 बेस है, ये मेरा आइवरी कलर है, ये भी मेरा आइवरी पाउडर फॉर्म में है। चलिए जी, मेरी बेसिस कंप्लीट हुई, अब आते हैं कंटोरिंग पे। ये देखिए, ये कंटोरिंग का क्रिस्टाइन का कलर है, क्रिस्टाइन का, ये डार्क इसमें, ये लाइट और डार्क दोनों हैं, और ये मेरे पास लाइट कलर भी है कंटोरिंग का, इसको आप आईब्रो में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये क्रिस्टाइन का लूज़ पाउडर है, शाइनिंग लूज़ पाउडर है, ये देख लीजिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये शाइनिंग का लूज़ पाउडर है क्रिस्टाइन वालों का, ठीक है ना। और ये आपने देखा होगा, ये मेरी हाइलाइटर, ये ग्लिटर, सॉरी, ये मिस रोज़ की ग्लिटर पैलेट है, इसमें 8 कलर आपको मिल जाएंगे, और आपके 8 कलर बहुत औसम कलर हैं, हर सूट पर चलने वाले कलर हैं, और बहुत बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत मज़ा आया इसके साथ काम करने में, आप चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं, और बहुत रिजनेबल प्राइस में है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। इसका मैं आपको चेक करवा देती हूँ,
इसके पिगमेंटेशन आप देख लो, आप इसके पिगमेंट देखिए, देख लीजिए, या आप इसके पिगमेंट चेक कर सकते हैं कितने औसम इसके पिगमेंट हैं, ये देखिए। चलिए इसके बाद मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ग्लैमर्स की आई शेडो पैलेट है ये मेरी फेस सेट की आई शेडो पैलेट है, ये देखिए इसमें कितने प्यारे प्यारे कलर हैं। और ये मेरी ये भी क्रिस्टाइन की ही मेरी आई शेडो पैलेट है, ये देख लीजिए। ये मैं आपको अभी ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये तीन मेरी आई शेडो पैलेट है जो मैं यूज़ करती हूँ। इसके लिए आप पिगमेंट चेक कर सकते हैं, ये देखिए। इसे आप पिगमेंट चेक कर दिए, ये देखिए ये मेरी ब्लश ऑन पैलेट है, इसमें काफ़ी कलर हैं ब्लश के। आप ये एक पैलेट आप खरीद लें, आपके सारे काम हो जाएंगे, ठीक है जी। अब आते हैं हम अपनी, ये मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये क्रिस्टीन का है, इसका आप कलर देख लें, ये आइवरी कलर का है, और ये भी क्रिस्टीन का है, इसका कलर है रेस्क्यू। ओके, ये मेरे पास एटीट्यूड वालों का लूज़ पाउडर है, ये बहुत अच्छा है, ये मेरा थोड़ा ख़त्म हो गया लेकिन ये बहुत आउटस्टैंडिंग इसका रिजल्ट है और लॉन्ग लास्टिंग आपकी बेस को कर देता है, ये बहुत अच्छा ये मेरा लूज़ पाउडर है एटीट्यूड वालों का। अच्छा जी, ये बीक्यूट वालों का लूज पाउडर है, ये देखिए। अच्छा, ये क्रिस्टीन की आपको, ये ऑयल फ्री पैनकेक है क्रिस्टीन वालों का, ये आपको मैं अंदर से खोल के दिखा दूँ, ये आप ड्राई फार्म में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको वेट में भी यूज़ कर सकते हैं और लिक्विड ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे कुछ, ये मेरे ब्यूटी ब्लेंडर और ये सब चीज़ें हैं। अच्छा जी, ये मैं लैशेज यूज़ करती हूँ, ये 3D लैशेज हैं, ये नॉर्मल पार्टी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हाइलाइटर है हमारे, अच्छा ये मिस रोज़ का हाइलाइटर है, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। अच्छा, आप ये देख सकते हैं, आप ये है मेरा। अच्छा जी, और ये आप ये वाला देख सकते हैं, ये 7 कूल का हाइलाइटर है मेरा, और ये कैलिजोना का हाइलाइटर, ये मैं आपको अक्सर वीडियो में ज़्यादातर यही यूज़ कर सकती हूँ, ये भी हाइलाइटर बहुत अच्छा है, मैं अक्सर ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, इसका बहुत ज़्यादा बहुत हाई पिगमेंट इसके कलर है, ये मैं आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। चलो जी, हाइलाइटर का काम हो गया। अब ये देखिए, ये मेरे पास मस्कारे हैं कुछ, मैं अक्सर वीडियो में अपना ये बॉब का मस्कारा यूज़ कर करती हूँ, ये भी मैं बहुत यूज़ कर सकती हूँ, ये वाटर प्रूफ मस्कारा है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास कुछ कैलोन के इंटरफेरेंस कलर हैं, ये देखिए। जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी वीडियो में, ये एक्वा का ब्लैक केक लाइनर है, और ये मेरे पास क्रिस्टीन की ये भी ग्लिटर हैं, ये डस्ट हैं, ये लूज ग्लिटर हैं, ये देखिए इसमें आपको हर कलर मिल जाएंगे। अच्छा जी, ये वो डस्ट बेस है जो मैं ग्लिटर अप्लाई करने से पहले यूज़ करती हूँ, ये देखिए, ये आपको बहुत करीब से दिखा रही हूँ, ये वो डस्ट बेस है जो मैं अपने हर ग्लिटर में, कोई भी ग्लिटर यूज़ करूँ मैं पहले ये अप्लाई करती हूँ, उसके बाद अपने ग्लिटर इजीली यूज़ करती हूँ, ये देखिए। ये सारे मेरे ग्लिटर हैं, ये गोल्डन है, ये बहुत प्यारा कलर है और ये बहुत खूबसूरत लगता है अप्लाई करने के बाद। चलिए जी, ग्लिटर के हो के बाद अब हम अपने लिपस्टिक की तरफ आते हैं, ये देखें ये। अच्छा जी, ये कुछ लिक्विड ग्लिटर हैं, ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ एक इसका, ये देखिएगा, ये देखिए इसका पिगमेंट चेक करें आप, ये लाइनर ग्लिटर होते हैं, आप अंडर आईज के ऊपर आप जो हम अपने क्रीज लाइन बनाते हैं उस पर हम यूज़ करते हैं। ये मेरे पास दो कलर हैं जो बहुत मोस्टली चलने वाले हैं, गोल्डन एंड सिल्वर, ये दो कलर हैं। अच्छा जी, ये कुछ मेडोरा की लिपस्टिक है, ये मेरे पास पिंक कलर है, ये मेरे पास थोड़ा सा पीची कलर है, ये मेरे पास कुछ लिक्विड है, ये रेड है, ये मरून है, ये भी मरून है। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको कल, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं ये मैंने शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें ही आपको दिखाई हैं जो मैं अपनी वीडियो में यूज़ कर सकती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो में आपको कोई हेल्प मिली हो
रिलेटेड टू मेकअप आपको बहुत हेल्प मिली होगी, बहुत हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होगी। अगर आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो में से मैंने आपको डिटेल से हर चीज़ बताई है कि मैं क्या क्या यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा जी, ये आप काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे ये स्वीट टच गम के, ये देखें ये है स्वीट टच की गम और ये बहुत अमेजिंग, बहुत ज़्यादा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। आप एकदम अपनी आप जब इसको यूज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर दूसरी कभी लैश ग्लू यूज़ करेंगे। ये बहुत अच्छी गम है, पर्सनली मैं अपने सलोन में यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, ये कुछ पेंसिल्स हैं, ये मेरा लाइनर मस्का वो है लाइनर, मार्कर लाइनर। अच्छा, मैं ये ब्लैक भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं ये भी यूज़ करती हूँ। ठीक है जी, ये मेरी ब्लैक पेंसिल, कुछ वाइट पेंसिल्स हैं, बस यही कुछ मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो में यूज़ करती हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।